अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मटन भुना मसाले की रेसिपी। तो बहुत ही टेस्टी बनता है ये मटन, इस तरीके से आप बनाइएगा और बहुत इजी है इसको बनाना, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ डिश आउट करके, ये देखिए। तो आप इसको गर्मा गर्म चपाती या नान के साथ सर्व कीजिएगा। नान की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, आप चेक कर लेना। तो ये देखिए मैंने निकाल लिया है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इसको बनाना। तो मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है, 1 से 1.5 चम्मच तेल डाला था मैंने, और उसके बाद मैं इसमें प्याज डाल दूँगी। तो मैंने 3 से 4 प्याज कट करके ले लिए थे, ये देखिए मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे। और मैंने 1/2 किलो लिया था, यानी 1/2 kg लिया था मटन। तो उस हिसाब से ही सब मसाले लिए हैं। आप क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर रहे हो मटन की, तो मसाले भी कम या ज़्यादा कर लेना। तो प्याज हल्का सा ब्राउन हो जाए उसके बाद हम आगे का प्रोसीजर करेंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस रेसिपी को। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और साइड में जो घंटी का बेल आइकन है उसको ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो देखिए प्याज हो गई है, उसके बाद मैंने इसमें अदरक लहसुन पेस्ट डाला है। तो मैंने 2 चम्मच के करीब अदरक लहसुन पेस्ट डाला है। मटन में कभी भी ज़्यादा अदरक लहसुन पेस्ट डालेंगे तो टेस्टी बनेगा। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लेना है, पका लेना है इसकी स्मेल जाने तक कि अदरक लहसुन की। उसके बाद मैं इसमें हल्दी पाउडर डाल दूँगी, 1/2 चम्मच के करीब ही हल्दी पाउडर डाला है मैंने। और मटन को अच्छे से वॉश कर लिया था मैंने, वॉश करके पानी में से निकाल के फिर साइड में रख लिया था। तो देखिए हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच डाला है। उसके बाद इसको 2-3 मिनट और पका लेंगे, इसकी भी स्मेल चली जानी चाहिए। उसके बाद मैं इसमें मटन डाल दूँगी। तो देखिए अब मैं इसमें मटन डाल दूँगी, अभी कुछ मसाले नहीं डालने हैं। मटन को अच्छे से भून लेना है, अच्छा सा भून जाए उसके बाद हम बाकी के जो मसाले वो डालेंगे इसमें। तो 5-6 मिनट तक अच्छे से भूनना है, बिना पानी के ही, पानी नहीं डालना है इसको। और इसमें नमक डाला था मैंने, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। तो देखिए नमक डाला है 1 चम्मच के करीब, तो अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालिएगा और भूनते रहना है फिर से इसको। देखिए इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है, बिना पानी के ही तेल में फ्राई करना है इसको। उसके बाद मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाला है, अगर आपको थोड़ा कलर चाहिए तो आप कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ कर लेना। और उसके बाद मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर डाला है और धनिया पाउडर डाला है, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर मैंने 1-1 चम्मच डाला था। इसकी रेसिपी भी ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, मैंने शेयर की है, आप चेक कर लेना एक बार। तो देखिए मसाले डालने के बाद फिर 2-3 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे हम इसको, जितना अच्छा भूनेंगे उतना ही टेस्टी बनेगा ये मटन। तो मेरे तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और फिर हम इसको भूनने के बाद कुकर में डालेंगे, क्योंकि मटन को पकने में काफ़ी टाइम लगता है। आपको चाहिए तो आप ऐसे भी पका लेना, लेकिन मैंने कुकर में डाला था, कुकर में जल्दी हो जाएगा, पक जाएगा, यानी अच्छे से सॉफ्ट हो जाना चाहिए मटन। और ऐसे पकाओगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये देखिए, और 5-6 मिनट मैंने भूनने के बाद इसको कुकर में डाल दिया था। तो देखिए कुकर मैंने लगा दिया था, और अभी मैं चेक करके आपको बता देती हूँ। 3-4 सीटी ली थी मैंने, तो ये अच्छे से पक गया है, एकदम सॉफ्ट हो गया है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए ऐसे हो गया ये। तो उसके बाद मैंने क्या किया, इसमें थोड़ा पानी रह गया था तो मैंने फिर से उसी कढ़ाई में ले लिया है और अच्छे से इसको फिर भून लेंगे। तो कढ़ाई में डालने के बाद फिर मैंने इसको 5-6 मिनट और भूना है ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए, जो पानी इसमें थोड़ा सा बचा है वो भी अच्छे से ड्राई हो जाए, सूख जाए, तब तक पकाना है। और ये मैंने गरम मसाला डाला है इसमें, 1/2 चम्मच के करीब गरम मसाला डाला था। गरम मसाले की भी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, आप चेक कर लेना। तो ये देखिए अच्छे से भून लेना है और 5-6 मिनट के लिए, जितना अच्छा भूनेंगे उतना ही टेस्टी बनेगा ये।
तो ये देखिए तेल पूरा ऊपर आ गया है, तो बस आप ये रेडी है डिश आउट करने के लिए। तो मैंने इसमें हरा धनिया और पुदीना डाला था, मेरे पास पुदीना था इसलिए मैंने डाल दिया था। अगर आपके पास दोनों में से कोई एक भी हो तो आप डाल देना। तो ये देखिए कितना माशाल्लाह से कलर भी इतना प्यारा लग रहा है इसका, और खाने में भी उतना ही टेस्टी बना था। ज़रूर ट्राई करना, कमेंट बॉक्स में बताना मुझे कि कैसे लगी आपको ये रेसिपी। तो देखिए धनिया और पुदीना मैंने बारीक कट करके डाला है, और मैंने नींबू डाला था। तो बस डिश हमारी रेडी है डिश आउट करने के लिए। आप इसको गर्मा गर्म चपाती या नान के साथ सर्व कीजिएगा, या राइस के साथ भी आप सर्व कर सकते हो। तो मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी। ये देखिए नींबू डाला है मैंने, आपको चाहिए तो आप खाने के टाइम भी नींबू डाल देना, लेकिन मैंने ऐसे ही डाल के मिक्स कर लिया था। और नमक और मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालिएगा। तो मैं अब इसको निकाल लेती हूँ, डिश आउट कर लेती हूँ। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे कैसे लगी रेसिपी आपको। मैं आपसे मिलती हूँ न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।